बड़ धरणर बन्या हम कहला और जो पूर्व वर्ष जो 2008 मसीह 12.12 मीटर थी और यह 14 मीटर पहुँच जो आकलन कराला किंतु काली राति ठारु आज सका पर्यटन देखिए बर्तमान जलस्तर राजघाट ठारे सुवर्णरेखा विपद 11.90 रही अर्थात यह हूँ सका 7टार चित्र ता परवर्त समय बर्तमान से 11.9 रही बर्तमान स्थिर रही पानी अर्थात बढ़ुना किंतु जो पा बढ़ी से पाने से गाँ गंडार सब विभिन्न गाँ गंडार जो रही विभिन्न पंचायत जो 5टी पंचायत क्या आम कहूँ से 5टी पंचायत मध्य बर्तमान पर्यटन सब जगह बर्तमान पा रही है जोजोग गोटे प्रकार विच्छिन्न होती है कैमेरा पर्सन ज्ञानरंजन कवि देखापी जो ये 8 बाटी गाँव रही बालापाड़ पंचायत एनडीआरएफ टीम आसिक पहुंची और आसिक बर्तमान एक पावर बोर्ड जो आप कौन से पावर बोर्ड को प्रस्तुत करा पावर बोर्ड सहयोग में जो गाँव लोक मैंने जो अच्छा एपट को जावास करेंगे लोक मैं कई कच्चा घरे पाने घर रही जाए से जावास असुविधा हो तो पावर बोर्ड साहय एनडीआरएफ टीम मैंने पूरा प्रस्तुत होती प्रस्तुत कर लोक नवा आ करेंगे एवं ये जो 8 बाटी जो गाँव लोक मैंने अच्छे आम प्रतिक्रिया आज्ञा आठवाटी गाँव पखापाखि लोक हाँ 5000 पखापाखि ये 8 बाटी गाँव लोक पुणी आहरी 5-7-8टा गाँ हुदमान सिंह जहाँकि तलवालियापाल आमर सुंगमु एमती 10-15टा गाँ पूरा पा घेर भितर भी अच्छी लोक मैंने भी अच्छा पा घेर भितर कि लोक को अणा होख को एमती पावर बोट रवस्था कर बोट बुटी अच्छे एमती कर सब अणा कि लोक थैथान कर लेट आम देखी देसी डा गोटे अच्छे लोक जो अणा जाए हाँ अणा देसी डा भी लोक को अणाई से ड्राइवर खावापी जा देसी डा भी लोक को अणा सब व्यवस्था चली सब प्रकार व्यवस्था लोक को जोगाई दि जाऊँ पंचायत आम जाइए से लोकर पाखे पा ना विभिन्न पीया पा आठ गाँव में पीया पा बर्तमान अच्छी हाँ पा पा सब सफिसीयंट दि जाऊँगी आमर मेसीन साहय जोगाई दिया लोक मैं पानीर किसी असुविधा ना बना क्या कहता बड़ धरण बना हम सुवर्णरेखा प्रकृत रेकर्ड स्तर 2008 मसीह बढ़ुच्छ तो पानी स्वप्न जो क्या कहते पा बढ़ुच्छ एनडीआरएफ टीम अच्छा एनडीआरएफ जो मैंने अच्छा से मैं टे प्रतिक्रिया ना जे कि जो कथ कौन कि एनडीआरएफ टीम सर अब क्या हो रहा है अभी अभी काम चल रहा है बोर्ड का अभी आप ग्राम पंचायत उस जीपी ऑफिस से बात करो बोट ऑपरेशन होगा मैं आपको बताऊंगा तेज प्रकाश जदि कह बालेश्वर अत्याधिक अफेक्टेड अच्छी कहीं जदि कह सुवर्णरेखा बन्या जलस्तर वृद्धि पाँची और विभिन्न पंचायत जदि कह बाह्य जगत रु संपूर्ण विच्छिन्न हो जाए तेज प्रकाश वर्तमान पर्यंत केते अंचलवासी को जदि कह सुरक्षित भाव इवाक्युटेड कर पाखापाखि आम बालियापाड़ पंचायत कह जो जगह मुझे अच्छी से जगह बालियापाड़ पंचायत जो 6टी पंचायत विषय प्रभावित होती पाखापाखि 50,000 ऊर्ध लोक जहाँ फिर सूचना अच्छी 50,000 ऊर्ध लोक इवाक्वेसन कर उच्चा स्थान को नि जाए और जो शुखिला खाद्य और जो जगह आवश्यक अच्छी रंधा खाद्य से जगह रंधा खाद्य दीजिए ये हूँ गाँ मुंडर ट्यूबवेल चित्र अच्छा महसी कौन बर्तमान समस्या गाँ भर मुख्य समस्या कौन अच्छी जल खाई टैप बुड़ी गोरु गाई भितर रही आनी पारुने यही रकम बन बुड़ी चाषवास तो सब गला क्षति तेणु आम चल बहुत घर हाँ 100-200 गांतरे हेबो किमिति अवस्था रे रहिछन्ति वर्तमान सेमने जल घेर रो अछन्ति कहउछन्ति हमकु उधार करंतु एई रकम कहउछन्ति उधार के माने जमा आसी परिनाति वर्तमान ना ए बोर्ड जदि तयारी हप तापर से माने आसी हां छुआ बर्तमान जल खाई पार ना गोरु छेली रही भितरे रही हटात जलटा चली आसला गोरु चोरुला बिल रो से रहीगले बिलर बिल भितर रही जला आसीना जाइंट भुटभुटी नहीं कि खोजापी तेणु किस करेंगे जानवा कि तारिक छोट छुआ गोरु गाई एवं मनीष मैंने रही अच्छा पा आम जो नौ जो भाई मैंने आम तक प्रतिक्रिया ना आजा भाई ये जो पा नौ अच्छा ये पा जो पीया पा कहीं कल तो सरकार कही समस्त पानी गाँव गाँवली जो उठा पा रही टाइम पा सब टेप कल बुड़ जाइए
ପାଣିର ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଭାଇ ସବୁଆଡ଼େ ତ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ା ଯାଇଛି, ପାଣି ନ ନେଲେ ଇଏ ବି ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା କେମିତି? ପାଣି ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରେ, ସେମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ, ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକ ଆସି ପାଣି ଫାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦୁଃଖ। ଏଇ ସରକାର ଶୁଣିଲେ ତ ନୌକା ନାହିଁ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା, କାଲି ପାଖରୁ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, ପରିଚାଳନା ଟିକେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଟିକେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକ ବି ସରକାର ଜାଣିଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ହବ, ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଥା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ଫସିଗଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘରରେ କ'ଣ ଖାଇବେ ଗୋରୁ ଗାଈ? ସେ ଗୋରୁ ଖାଦ୍ୟ କି ଦିଆ ହେଲାନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋରୁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ ଗୋରୁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କୁଟା ଫୁଟା ଦେଇଥିଲେ ବା ଗୋରୁ ଖାଇଥାନ୍ତା, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋରୁ ତ ବାହାରି ପାରୁନି ନା, ଗୋରୁ ଭିତରେ ରହିଛି, ବାହାରିଲେ ଯାହା ହବ, ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଚାହିଁଲେ ହବ ଆଉ। ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁର ଚିତ୍ର, ଯଦି ପାଣି କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ବହୁତ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ଏ ଗାଁ ଭିତରେ, ଆଠବାଟି ଗାଁ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ଯଦିଓ ବର୍ଷା ଟିକିଏ କମିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମିନି, କାହିଁକି ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା, ବଡ଼ ବନ୍ୟାର ଚିନ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।